इफ़ एक्स इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए के, हमें गिवन क्या है यहाँ पर, एक्स का मान दे रखा है, तो लिखते हैं हम लोग कि एक्स बराबर दे रखा है आपको कॉट ए और प्लस में कॉस ए, जबकि दूसरी तरफ दे रखा है वाई का मान, तो वाई इक्वल टू लिख लीजिए आप यहाँ पर कि कॉट ए और माइनस में कॉस ए। आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन है आपको। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट टाइम कि इक्वेशन वन प्लस में इक्वेशन टू को अगर ऐड करेंगे तब तो ये आपका एल एच एस का पार्ट ऐड हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इधर भी आपका कॉट ए और कॉट ए, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा क्या टू कॉट ए हो जाएगा। ये कॉस ए और कॉस ए प्लस माइनस का कैंसिल हो जाना, यानी इतना ही बचेगा। दूसरी तरफ देखेंगे अगर इक्वेशन वन में से हमने इक्वेशन टू को क्या किया सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो एक्स में से वाई को घटाएंगे तो आपका एक्स माइनस वाई का वाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस साइन होगा तो कॉट ए से कॉट ए कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का चीज़ प्लस में हो जाएगा तो कॉस और कॉस मिलकर टू कॉस हो जाएगा आपका टू कॉस ए। क्लियर बात इतना है। अब हम लोग चलते हैं जो रिजल्ट दे रखा है उसके ऊपर कि फ्रॉम एल एच एस क्या लाना है, रिजल्ट में लाना है इसका स्क्वायर का निगेटिव पार्ट, तो एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में इधर एक्स माइनस वाई बटा में टू का भी होल स्क्वायर। इसके लिए हमको क्या चाहिए वन चाहिए आर एच एस पार्ट में। तो रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, एक्स माइनस वाई के लिए क्या दे रखा है आपको टू कॉस, तो टू कॉस ए डिवाइड एक्स प्लस वाई के लिए दे रखा है टू कॉट, तो टू कॉट ए, और उस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में एक्स माइनस वाई के लिए क्या गिवन है टू कॉस ए बाई में टू का टू लगा हुआ है स्क्वायर, पूरे का पूरा लगा लीजिए यहाँ पर। क्लियर बात इतना है। टू से टू यहाँ भी कैंसिल, टू से टू यहाँ भी कैंसिल, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस का कॉस रहेगा डिवाइड में। कॉट के लिए क्या लिख सकते हो आप, कॉट के लिए क्या लिख सकते हो, तो आप कहिएगा कॉट लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए बटा में साइन ए लिख सकते हैं, जानते हो आप ये प्रॉपर्टी, और इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर लगा के रखेंगे प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये चीज़ आपका ऊपर जाएगा ना, ये चीज़ क्या होगा कॉस ऊपर जाएगा, डैट मीन्स कॉस ए बटा में वन लगा लो गुना में, ये पार्ट हो जाएगा आपका साइन ए डिवाइड में कॉस ए, और स्क्वायर का स्क्वायर पूरे पर लगा हुआ है लगा के रखिए प्लस में, इधर आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ए, क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, आप प्लस में यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों का रिजल्ट कितना होता है वन के बराबर, और यही आपका आर एच एस पार्ट आ जाएगा। हमारा ये प्रूफ हो गया, आर एच एस आया और हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।